बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर टेक के डेली एक्सेल फार्मूला लर्निंग में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के फार्मूला के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास रिज़ल्ट कार्ड है तो उसके अंदर पास और फेल को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, तो चले सीख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो है वो मेंशनड है कि 60 या 60+ मार्क्स अगर हो तो वो पास कहलाएगा, और इसके अलावा अगर 59 या 59 से नीचे मार्क्स हो तो वो हमारे पास फेल कहलाएगा। तो जहाँ पे हमने रिज़ल्ट को पुट करना है तो आप उसी सेल में चले जाएं, वहाँ पे इक्वल का साइन लगा दें, सिंपल IF लिख दें, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट कर ले और उसी फील्ड को आप आइडेंटिफाई करने जहाँ पे मार्क्स मेंशनड हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये करंटली हमारे पास I11 है। तो I11, इफ़ I11 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारे पास मार्क्स मेंशनड हैं तो वो 60 हैं, तो फिर हम कामा लगा लेंगे और फिर हम कोट्स के अंदर लिख लेंगे कि ये पास हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेटमेंट है वो फेल का है। ये सिंपल FL स्टेटमेंट है, अगर एक काम हो तो उसको बता दे, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह वो दूसरा बता दे। तो अगर स्टूडेंट पास है तो उसको पास लिख दे, अगर वो पास नहीं है तो सिंपली वो फेल लिख दें। तो यहाँ पे जस्ट हम फेल लिख लेंगे और इसी तरह हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर लेंगे, तो ये देख लें हमारे पास ये 92 मार्क्स है और वो पास कहला रहा है। इसी तरह इसको ड्रैग डाउन कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब जिन जिन स्टूडेंट्स की ये देख ले 55 मार्क्स है तो वो फेल कहला रहा है, और जिन जिन स्टूडेंट्स के 60 से अबाव मार्क्स है तो वो सारे के सारे पास कहला रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप जो है वो अपने एक्सेल के थ्रू यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं ईजीली। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह के बाकी वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं, तो उनको आप भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।